कैसे लग रहे हैं बेबी? अच्छे लग रहे हैं। आज बेबी तुम टेस्ट करके बताओगी पहले। मुझे तो अच्छा ही लगता है, मैं तो ठीक बनाती हूँ खाना। अपना खाना किसको बुरा लगता है? लोग अपने मुंह में मिट्टू बन गए, हमारी मुंह में टट्टू बन गई। वेलकम बैक टू आवर चैनल। और शुरू हो चुका है हमारा एक और नाइट व्लॉग। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल कोको शेज। हाय, मैं नहा चुकी हूँ और फटाफट जा रही हूँ पूजा करने के लिए, और उसके बाद अभी आपसे दोबारा मिलूंगी। फिर से बहुत ज्यादा हवा चल रही है, बताएं। मॉनसून इज ऑन इट्स वे। इसको क्या हुआ है? उसको क्या हुआ है? वो हमेशा ऐसी होती है, उसको या तो तुमसे कुछ चाहिए या तो कुछ तुमने दिया होगा जो उसको नहीं चाहिए। चलिए आ जाओ बेबी, पूजा कर लेते हैं। बनाने वाली हूँ आलू मटर का पुलाव, तो आप लोग को दिखा भी देती हूँ मैं कैसे बनाती हूँ। वैसे तो बहुत सिंपल बनाऊंगी, बिकॉज रात का है एंड वी वांट टू कीप इट वेरी सिंपल। हम लोगों को कम खाना है, हो भी सकता है पता नहीं खाना खाऊं या नहीं खाऊं, मैं अविनाश के लिए बना रही हूँ, बट मैं बना रही हूँ। आप आ जाओ मेरे साथ, आओ आओ मेरे साथ। आ क्यों नहीं रहे हो? आओ आओ, वो आने के लिए तैयार है। सबसे पहले मैं अपने लिए थोड़ा पानी गर्म कर रही हूँ पीने के लिए, ताकि थोड़ा अच्छा लगे। दिन में इतना ज्यादा खा लो ना पेट फूल जाता है। मेरे लिए भी कर दो। पियोगे तुम भी? हाँ। Meanwhile, जब तक ये गरम हो रहा है तब तक मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये रही मेरे चावल की तैयारी। ये रहा थोड़ा सा प्याज, मटर, आलू, और ये रहा लहसुन अदरक का पेस्ट। और ये तो बड़ा कम माल मसाला लग रहा है, क्योंकि बेबी कम ही डालना है ना चीजें। बिरयानी थोड़ी बना रही हूँ मैं, नॉर्मल पुलाव सादा सा बना रही हूँ। यू वांट टू हैव लाइक हैवी वन? नहीं नहीं, लेकिन थोड़ा बनाना। थोड़ा ही बना रही हूँ, एक कप बना दिया, क्योंकि मैं शायद खाऊं भी नहीं। इतना ग्लास बनाया है, ये देखो ये ग्लास भिगोया मैंने। हाँ, बस इतना ही बनाना कि दो चार चम्मच हो जाए। मैं शुरू कर दूं? हाँ, वो खिड़की बंद कर दूं हमारी। नॉर्मल खाना है, सरसों के तेल का खाना है? यार मैंने तो खाना ही नहीं है बिल्कुल, लेकिन सरसों के तेल में बना दो। उसमें क्या तड़ 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 की आवाज आ रही है? वो पानी सूख रहा है। पानी निकाल दो ना, सुखा क्यों रही हो? अरे बस सूख गया, हो गया। पहले हम लोग डाल देंगे थोड़ा सा करवा तेल, फिर हम डाल देंगे दोस्तों इसमें थोड़ी सी हींग, सिम करके थोड़ा सा डालेंगे इसमें हम। अरे कहां गया? अरे बढ़ नहीं रहा, अरे हो क्यों नहीं रहा। अब डाल देंगे इसमें थोड़ा सा जीरा, इसमें डाल देंगे हम एक मोटी इलायची, ये रही, थोड़ा सा डालेंगे हम तेज पत्ता। और आप देखना मैं कितना सिंपल बनाती हूँ, और बहुत अच्छा बन जाता है, एकदम सिंपल और बहुत बढ़िया। खुद ही अपनी तारीफ कर दी ना। हाँ, मैं बहुत सिंपल बनाती हूँ फिर भी बहुत अच्छा बन जाता है, पता है? देखो अच्छा बनता नहीं है, अच्छा नहीं बनता। नहीं बनता है, लेकिन वो दूसरे को बताने दो ना। नहीं मैं बताऊंगी ना, बताने वाला यहाँ पे है कौन मेरे अलावा? ये देखो ये प्याज को हम ऐसा भून लेंगे। अरे सूजी के हलवे की स्मेल कहाँ से आ रही है? बेबी तुम कैसे हो यार, तुम्हें कुछ पता नहीं है। ऐसा लगा तुमने सूजी डाल दी उसमें। अब डालेंगे हम इसमें थोड़ा सा नमक। मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि तुम मसाले डालती हो स्वाद अनुसार। हाँ। ये तुम्हारे स्वाद अनुसार होते हैं या मेरे? तुम्हें स्वाद लगता है कि नहीं? मुझे लगता है। साथ साथ दोस्तों पियेंगे थोड़ा सा गर्म पानी, ताकि पेट साफ रहे। कैसे कैसे पेट साफ रहे? अरे वो कोको का खाना खा रही है, भूखी है ना, आज तुमने दिया नहीं ना उसको कुछ। और ये थोड़ा सा जब लाल होने लग जाएगा तब डालेंगे हम इसमें क्या डालेंगे? क्या डालेंगे? चावल? नहीं नहीं, अदरक लहसुन का पेस्ट। ये देखो अभी लाल हुआ नहीं है, वही बता रही थी मैं। Meanwhile, हम इसको वापस भी रखेंगे दोस्तों। तुम्हारे पीछे ही है, उसका पैर मत दबा देना। वापस रखना है, इधर से चम्मच निकालना है ताकि वीडियो की ड्यूरेशन बढ़े। कंटेंट भी देना है तो अभी अदरक लहसुन का पेस्ट हम डाल देंगे इसमें, और बाकी जो चिपका है इसको चिपके रहने देंगे ताकि हम बाद में डाल दें इसको। जितने भी हमारे आलू रहे हैं, आलू है ना, इसको हम काट लेंगे ऐसे ऐसे, मतलब आधे के कर लिए हमने, चार हिस्से ये हमारे कट गए हैं आलू। ये देखो हमारे लाल हो रहे हैं कि नहीं? देखो ये देखो हमारे लाल हो रहे हैं, मतलब प्याज लाल हो रहे हैं कि नहीं? मेरे तुम बाल शब्दों को मत पकड़ो, उसके अंदर का गहराई पकड़ो। गहराई पकड़ी थी मैंने तो। अब जैसे ही ये प्याज हल्के से और एक मिनट के बाद लाल हो जाएंगे, चिपकने लग जाएंगे, जलने लग जाएंगे, तब हम डाल देंगे इसमें ये बारीक कटे हुए आलू। बारीक कटे हुए? ये डाल दिया हमने थोड़ा मटर। अब मैं इसमें नमक डाल चुकी हूँ, मिर्च विर्च कुछ नहीं डालने वाली हूँ। मिर्च क्या था? मतलब मिर्च वगैरह, मतलब एक्स्ट्रा सारी चीजें बताई थी। ये सिर्फ भुना हुआ जीरा है घर का, जो कि मैं लूंगी इतना, और इसको डाल दूंगी। और हमारा मसाला हो गया पूरा, मैं इसमें कुछ नहीं डालूंगी, पुलाव मसाला नहीं, बिरयानी मसाला नहीं, कुछ डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है? वैसे भी अच्छा बन सकता है, ये देखो, ठीक है? अब बाकी का ये हमने एक गिलास चावल निकाले थे, एक ही गिलास इसमें पानी गया है, तो ये गया इसके अंदर। आ गरम गरम, आ तो ये आपने देख लिया, और ये लग गई जी हमारी।
गई है, दो और लग गई है। हमारा पुलाव तैयार, अभी भी बाहर चले। एसी ऑन करो, मुझे हवा चल रही है लेकिन गर्मी बहुत लग रही है। गर्मी इसलिए लग रही है, अंदर किचन से आ रहे हैं ना, थोड़ी देर बैठ जाएंगे तो नहीं लगेगी गर्मी। हाँ, लेकिन मैं बैठूंगी क्यों, मुझे एसी चाहिए। बाहर का बंद करो, ये दरवाजा बंद करो, जल्दी जल्दी बंद करो। ये लो जी चेरी की हालत, बेड बिछने से पहले ही ये देख लो। चेजू ये क्या हो रहा है, बेड तो आने दो आप। अरे बेड बिछने से पहले ये बिछ गई। हाँ चल भाई उठ, उठो, उठ भाई, सफेद भेस में काले कुत्ते। मन बहुत काला है इसका। नहीं नहीं, इसका तो मन बिल्कुल नहीं है काला बेबी। तुम्हें कितना बुरा लगा तो मुझे बुरा नहीं लगेगा बेबी। उसको काला क्यों कहा तुमने? वो तो स्पिरिचुअल डॉग। ये मत कहना दोबारा, बहुत दिल दुखा मेरा। वो देखो उसने छुट्टी रख ली उसके ऊपर। चल पहले बेड तो बेच ले, आराम का साधन बना लिया। अब धीरे धीरे मेरे को ऐसा लग रहा है बहुत जल्दी ये टाइम आएगा कि हम लोग अपने बेडरूम में वापस चले जाएंगे, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी थोड़ी ठीक हो रही है। नहीं जाना बेडरूम में, नहीं जाना बेडरूम में, नहीं जाना बेबी। क्यों? यहाँ बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है ना एक्चुअली यहाँ यार, मतलब कोई भी चेंज ऑफ प्लेस होता है ना तो मजा बड़ा आता है, मजा आ रहा है यहाँ पे बहुत। और ये बेड बिछ चुका है, और देखिए ये बेड किसका है, ये कौन कौन लेटा हुआ है, ये क्या हो रहा है, ये बेड के ऊपर क्या हो रहा है। चारों गंदी गंदी लड़की, गंदी लड़की, गंदू गंदू कल से गद्दे की जगह इसी को बिछा दो, इसी के ऊपर सो जाएंगे। आ, ये भी तो गद्दा ही है, व्हाइट बेडशीट। उधर जलन की देवी बैठी है, ये भी सबसे, उसका कोई मतलब नहीं किसी से भी। उसको इधर इधर इसे मैं बॉल दे दूं, भी बॉल दे दो, इसकी बॉल दे दो, लेटी रहेगी बॉल के साथ। बस भाई उसकी फट गई है खेल खेल के। कोको को दवाई खिला, वो कराटे मार रहा है बेबी, वो देखो। दवाई तो ले लो पहले। मिशन अकम्प्लिश्ड। मीनवाइल किचन में देख लेते हैं कि पुलाव का क्या हाल है। एंड हमारे पुलाव इज रेडी टू रॉक। ये देख लो एकदम बढ़िया वाले बन गए, ये देख लो, ये जी हमारे बन गए पुलाव। ये देखो दाना दाना क्या निकला है, एकदम बढ़िया बन गया ना। तो ये रहा जी हमारा पुलाव, इधर से निकाल देती हूँ मैं दही। तो अब एक बार हम लोग खाना खा ले, तैयार हो गया पुलाव, खाना खा ले फिर आपसे दोबारा मिलती हूँ। और मीन भाई ये देख लो तीनों है अब इस समय, एक दो और वो देखो तीन। इनको क्या मिलता है कि अपने बेड पे नहीं बैठते, अभी इसका बेड बिछा भी दूंगी ना तब भी नहीं लेटेगा ये। देख रहे हो तुम ब्लॉग एडिट कर रहे हो क्या? हाँ। अरे बेबी तुम बात नहीं करोगे मुझसे? तो फिर ब्लॉग एडिट ना करूं? नहीं कर लो, लाइट कम कर दूं? कर दे। कैसे लग रहे हैं बेबी? अच्छे लग रहे हैं। आज बेबी तुम टेस्ट करके बताओगी पहले। मुझे तो अच्छा ही लगता है, अब तक खाना किसको बुरा लगता है? क्या बात कर रही हो, पहले इंसान हो जो अपने खाने का इतना। मैं तो ठीक बनाती हूँ खाना। लोग अपने मुंह में मिट्टू बनते हैं, मेरे मुंह में टट्टू बन गई, किराए के टट्टू होते ना। मैं दही नहीं खा रही, आलू वाले चावल। दूसरा निवाला नहीं ले रही हूँ, इतना अच्छा लगा फिर है। आराम से लूंगे, इतने बढ़िया पके हैं। अब बना के देखो, ज्यादा तामझाम करने की जरूरत नहीं होती है, जरूरी नहीं है कि बहुत सारे मसाले डालो तभी चीज अच्छी बनेगी, कम मसालों में भी बहुत चीज अच्छी बन सकती है, ट्राई इट आउट। तो मैं खा सकता हूँ, मुझे टेस्टी लगेगा? तुमने खाया, मैं खाऊं? मैं खा लिया, टेस्टी लगा भी मेरे को बहुत खाना। तो मेरे को ये बताओ कि मैं लेटूंगा जाके, मेरे को नीचे बैठना है, मेरे को नीचे बैठना है, मेरे को नीचे बैठना है। तुम इस कांच के टेबल पे ही सो जाया करो ना, वो तो उठेगी नहीं, अब तो करवट बदला उसने इतनी देर के बाद, उठ रही है उठ रही है। चुनी चेरू तो दोस्तों एडिटिंग करते करते मैं भी थक गया हूँ, संभावना भी पता नहीं क्या देख रही थी अभी तुम फोन पे। मैं अभी नेटफ्लिक्स देखूंगी। अभी देखोगी? हाँ मैं अभी थोड़ी देर और देखूंगी, मैं नेटफ्लिक्स पे जा रही हूँ, मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। अच्छा अपना काम करिए। हाँ। तो आपको मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन। टिल देन तो मैं चलिए अब नेटफ्लिक्स देखने, और आपको मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन आप लोग ये जरूर बताइए कि आपको हमारा ये ब्लॉग कैसा लगा। एंड डू राइट शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल व्हिच इज संभावना सेठ एंटरटेनमेंट। आया अरे अरे रजाई के अंदर नेटफ्लिक्स देखोगी? हाँ।
और मैं तो देख रहा था कि फोन पे तो ब्लॉग खुला हुआ था, तुम तो अपना ही ब्लॉग देख रही थी। बेबी तुम पकड़ी गई हो, खुल गया था। बेबी तुम पकड़ी गई हो, तुम अपना ब्लॉग देख रही, तुम अपनी खुद की फैन निकली। कोई और नहीं बन रहा, खुद की फैन बन गई हूँ।